तीसरी में सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा बरती जा रही मनमानी, पठन पाठन हो रही बाधित। दुलियाकरम विद्यालय समय से पहले ही कर दिया गया बंद। सरकार शिक्षा व्यवस्था को लेकर चाहे कितनी भी सजग हो या नई शिक्षा नीति के जरिए बच्चों का भविष्य गढ़ने की बात करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जी हाँ, जिले के तीसरी प्रखंड क्षेत्र में एक ऐसा भी विद्यालय है जहाँ सरकारी समय सारणी नहीं बल्कि शिक्षकों के समय सारणी से विद्यालय का संचालन किया जाता है। हम बात कर रहे हैं प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय दुलियाकरम की। सोमवार को यह विद्यालय दोपहर के 1 बजे ही बंद कर दिया गया। बताया जाता है कि बच्चों की हाजिरी बनाकर उन्हें वापस उनके घर भेज दिया गया, जिसके बाद विद्यालय में ताला लगाकर कार्यरत दोनों शिक्षक भी अपने अपने घर चलते बने। इस दौरान मध्याह्न भोजन भी बाधित रहा। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि मध्याह्न भोजन सिर्फ कागजों पर ही बनता हो, खैर यह तो जांच का विषय है। बहरहाल विभाग को इस और गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। इधर इस मामले में जब प्रभारी बीईओ रंजीत कुमार से फोन से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि विद्यालय के सचिव मीटिंग में थे। उन्होंने कहा कि समय से पहले विद्यालय बंद करने के मामले में जांच कर कार्रवाई की जाएगी।